बाढ़ के बाद अब अम्बाला के ग्रामीण इलाकों में हालात सामान्य होने लगे हैं। हालांकि कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां अभी तक पानी भरा हुआ है। इसी बीच आज एक बार फिर अम्बाला के विधायक असीम गोयल ने अलग अलग गांवों का दौरा किया और बाढ़ के बाद जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, आज हमारे साथ एक्सीएन जो हमारे यूएचपीएनएल के और एक्सीएन साहब और अधिकारियों के साथ मैंने जो है चौड़मस्तपुर हमारा सब स्टेशन है, इसका दौरा किया है। 66 केवीए का सब स्टेशन है। मेन हमारे जो रूरल एरिया की सप्लाई है वो यहीं से है और इसकी ड्राउनिंग होने की वजह से तो बहुत ज़्यादा जो है गाँव की बिजली की और पानी की जो है सप्लाई में बहुत दिक्कत आ रही है। और आज मैंने देखा भी है, काफ़ी मेहनत से हमारे सारे साथी लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आज रात नहीं तो कल तक हम इसको कुछ और गांव के अंदर जो है सप्लाई देने में सक्षम हो सकेंगे। जिन गांव के अंदर पानी खड़ा है वहां के सरपंच साहिबान ने भी और लोगों ने भी लिख के दिया है कि अभी हमें बिजली की सप्लाई ना दी जाए, क्योंकि वहाँ दो दो तीन तीन फीट पानी अभी जिन गाँव में है, उनके अलावा जहाँ पानी उतर गया है उन गाँव में हम आज शाम देर रात नहीं तो कल तक जो है पावर को जो है उसकी सप्लाई को जो है रूटीन में लेके आने की कोशिश करें। हाँ, मेरी अभी ऊपर उच्च अधिकारियों से मैंने कहा है कि ये तो हर 8-10 साल बाद ऐसा कुछ ना कुछ आता है, बड़ा लो लाइन एरिया में ये जो हमारा सब स्टेशन बना हुआ है और जो है इन फ्यूचर हम इसको भी जो है उठवा के सड़क के लेवल से कम 5-6 फीट ऊंचा हो ऐसा प्रोविज़न करा के इसको पूरे सब स्टेशन को बनवाने की जो है रिस्क पे हैं, तो उसके लिए क्या आदेश है? मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा है जी, जहाँ बर्म लगा के अभी, क्योंकि बर्म सारे उसकी वजह से बाढ़ की वजह से बह गए हैं और मैं जैसे देख भी रहा हूँ गांव की मेन सड़कें हैं अभी बची हुई हैं लेकिन बर्म की वजह से वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी उनको बोला है जैसे भी करके, क्योंकि अभी मिट्टी मिलने में भी दिक्कत है जहाँ पानी भरा हुआ है, कुछ भी प्रोविज़न करके उनको बोला है कि इन सड़कों को बचाने के लिए जो है।